देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण से हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। ताजा खबर सर गंगाराम अस्पताल से जुड़ी है। यहां पिछले 24 घंटों में 2500 की मौत हो चुकी है और 60 गंभीर रूप से बीमार हैं। लोग जिंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं। अस्पताल की ओर से संदेश भी भेजा गया है जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में जिक्र किया गया है। अस्पताल में महज कुछ घंटों तक के लिए ही ऑक्सीजन बची है। अस्पताल का कहना है कि वेंटिलेटर और बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा। आईसीयू और ईडी में मैनुअल तरीके से वेंटिलेशन किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 5 अस्पताल में ही भर्ती थे। अन्य डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। जानकारी के अनुसार इनमें से ज्यादातर डॉक्टर वे हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से कुछ को होम आइसोलेशन पर रखा गया था और 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।